बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में बढ़ रही है और जिस तरह से अभी तक 5 मिनिस्टर गुजरात से, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये मिनिस्टर कुछ काम करें, क्योंकि हालांकि ये होता ये है कि दो ही सुनाई दे रहे हैं कि दो ही लोगों की चलती है, मिनिस्टर 5 बने या 10 बने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही लोग यहाँ पे गुजरात में सालों से मिनिस्टर है उसमें से 2-3, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ बोला। लेकिन ये 2022 में जिस तरह से गुजरात में बीजेपी जा रही है, ये सबको लग रहा है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना दम बढ़ा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये डर की वजह से 2022 तक ये मिनिस्टर रहेंगे। बिल्कुल ये फायदा लेने के लिए किया हुआ है, लेकिन जनता आज गुजरात की जनता जान चुकी है, गुजरात की जनता को अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गुजरात की जनता को पता है कि अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वायदे ही किए, बातें ही किए, कोई गुजरात की जनता के लिए काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये 2022 की जैसे इलेक्शन खत्म होंगे, ये मिनिस्टर भी फिर रिजाइन देकर सांसद रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गुजरात सरकार जा रही इस वजह से 5 मिनिस्टर, अच्छी बात है, 2 और 7 मिनिस्टर हुए, जयशंकर जी भी यहां से राज्यसभा के हैं, तो अगर अच्छा करे तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकली अपना कद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता भलीभांति जानती है, गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से और खास तौर पर इनके झूठे वायदों से। मंदी, महंगाई और महामारी के बीच ये बीजेपी का सबसे बड़ा स्टंट माना जा रहा है गुजरात को लेकर। बिल्कुल, अभी अभी अब आप देखिए कि हर्षवर्धन को चेंज कर दिया गया, तो उसका मतलब ये होगा कि आप कारक कोरोना में आप फेल हुए, सरकार फेल हुई, और सिर्फ हर्षवर्धन पे क्यों चिकरा फोड़ा जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो बड़े दो जो हैं उनको क्रेडिट जाती है, तो ये कोरोना में जिस तरह से लोग मरे तो उसकी फेलियर भी उन दो बड़े लोगों पे जानी चाहिए थी। दूसरा ये है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, अब ये 62 पे ये लोग विरोध कर रहे थे पेट्रोल और डीजल का कि भाई भाव बढ़ा है, और अभी 100 रुपये तक पहुंचा है, ये फायदा गिना रहे हैं। घरेलू गैस महंगाई कितनी, आप उनके पुराने वीडियो देख लीजिए कि वो खुद क्या कहते थे सब लोग कि इतनी महंगाई बढ़ रही है और ये केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, तो आपकी क्या है, उससे भी 10 गुने महंगाई आप तो अब बढ़ाकर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात की और हिंदुस्तान की जनता को अब भली भांति पता चल गया है कि अच्छे दिन किन लोगों के आए, कुछ चंद उद्योगपतियों और कुछ चंद नेताओं के अच्छे दिन आए, बाकी किसी के अच्छे दिन नहीं आए, इससे बुरे दिन तो हमने कभी देखे ही नहीं थे। तो मुझे लगता है कि महंगाई उस पर उनको का कुछ करना चाहिए था, अब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर चेंज कर दिया, अब जो वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम दाम कम नहीं कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, लेकिन आपको सेंट्रल मिनिस्टर बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो भारत की जनता ये जानना चाहती है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप सेंट्रल वेजा क्यों बना रहे हैं, और सेंट्रल वेजा अगर बना रहे हैं तो आप दाम क्यों कम नहीं कर रहे हैं। तो ये दोगलापन बीजेपी का सबको पता चल चुका है, और खास तौर पर गुजरात में तो अब बीजेपी को लोग बीजेपी के नाम से त्रस्त हो चुके हैं। मैं जब गांव में घूम रहा था तो लोग बीजेपी का नाम लेते हैं तो बोल रहे हैं कि आप नाम मत लो, ये पाप के भागीदार होते हैं अगर नाम लेते हैं तो भी। तो मुझे लगता है कि ये लोग पूरे स्टंटबाज है, लेकिन जनता भलीभांति जानती है। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।